बच्चों, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो तो ये है कक्षा 6 की किताब का चैप्टर नंबर 3। यूपी बोर्ड की बुक में यही सेम चैप्टर चैप्टर नंबर 4 पर है। तो जैसे कि हम पहले दो चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था सौरमंडल के बारे में, जिसमें हमने पता किया था कि पृथ्वी एक ग्रह है जो सूरज से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर पर है और सिर्फ इसी ग्रह पर जीवन संभव है। दूसरे चैप्टर में हमने पृथ्वी पर खींची हुई कुछ काल्पनिक रेखाओं के बारे में जाना, जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। इन दोनों चैप्टर का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप इन दोनों वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। अब हम नया चैप्टर पढ़ते हैं, पृथ्वी की गतियां। देखो बच्चों, पृथ्वी की गति दो होती हैं। एक होती है घूर्णन, जिसे कहते हैं हम रोटेशन, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों तरफ घूमती रहती है और अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में यह लेती है 24 घंटे। कितना समय लेती है? 24 घंटे। दूसरी जो गति होती है पृथ्वी की, वो है परिक्रमण। परिक्रमण को इंग्लिश में कहते हैं रेवोल्यूशन। रिवॉल्यूशन में क्या होता है, जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जैसे ये सूरज है और ये है पृथ्वी, तो ये अपनी धुरी पर घूमते घूमते सूरज के चारों तरफ भी घूमती रहती है। इसको कहते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति। और इसको पूरा करने में पृथ्वी को लगता है एक वर्ष। तो इस तरीके से इन दोनों गति के बारे में हम एक और चीज़ जानते हैं, वो क्या है? घूर्णन को कहते हैं पृथ्वी की दैनिक गति और परिक्रमण को कहते हैं पृथ्वी की वार्षिक गति। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूरज के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है। देखा है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। इस तरीके से है पृथ्वी का जो अक्ष है, वो एकदम से सीधी नहीं है, तो वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से वो अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, इसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। और क्या होता है, क्योंकि जो पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का जो आकार है वो एक गोले की भांति है, इस तरीके से है ना, और ये है इसका ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, यही वो है अक्ष जिस पर ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब होता क्या है कि जैसे ये सूरज निकला और इसकी जो रोशनी है वो एक बार में पृथ्वी के किसी आधे हिस्से पर ही पड़ती है। जब कोई गोल भाग होता है तो सामने से देखने पर उसका हमें आधा भाग ही दिखता है, तो जिस आधे भाग में सूरज की किरणें होती हैं वो तो वहाँ तो होता है दिन, और जिधर सूरज की किरणें नहीं होती वहाँ होती है रात। अब क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते ये वाला हिस्सा आ जाएगा इधर और ये वाला हिस्सा आ जाएगा इधर, तो यहाँ हो जाएगी रात और इधर हो जाएगा दिन। यही पृथ्वी की दैनिक गति है, इसे पूरा करने में यह 24 घंटे लेती है। तो हमने क्या क्या जाना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसे घूर्णन कहते हैं और जिसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहा जाता है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा भाई? ऐसा हो सकता है ना, पृथ्वी अगर सिर्फ सूरज के चारों तरफ ही घूमे और अपने अक्ष पर ना घूमे तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। जो हिस्सा उसका सूरज की तरफ होगा वहाँ तो हमेशा दिन होगा और वहाँ पे होगी गर्मी, और दूसरे भाग में क्या होगा, वहाँ पे अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी, तो फिर तो जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। तो पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपनी कक्षा में घूमना भी आवश्यक है, अन्यथा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा।
तो ये थी पृथ्वी की घूर्णन की गति। अब हम दूसरी गति जो सूरज के चारों ओर होती है, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं, इसको पूरा एक चक्कर लगाने में, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। भाई 365 दिन के साथ साथ 6 घंटे भी लगते हैं। अब होता क्या है, इसको मतलब समस्या होगी 6 घंटे को अलग से जोड़ने में, तो हम ये 6 घंटे हर साल नहीं जोड़ते हैं, बल्कि होता क्या है, हर चौथे साल जब ये 6 और 6 6 हर चौथे साल जुड़ जुड़ के जब ये 24 घंटे बन जाते हैं 4 साल में, तो ये एक अतिरिक्त दिन हम जोड़ देते हैं फरवरी में। इसीलिए कहा जाता है कि हर चौथे साल फरवरी 29 दिनों की होती है, जिसे लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, तो वो यही 6 घंटे होते हैं जो कि हर साल पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे लेती है एक चक्कर लगाने में। तो फिर हम इसको इस तरीके से हम हर चौथे साल लीप वर्ष में ये एक दिन अतिरिक्त जोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, कि जो पृथ्वी है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब हम एक चित्र के द्वारा देखेंगे कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। तो क्योंकि पृथ्वी सूरज एक ही दिशा में झुकी हुई है और वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इस वजह से गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु होती हैं। यानी कि सूरज पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन के कारण तो होते हैं दिन और रात, और पृथ्वी की परिक्रमण या वार्षिक गति के कारण होता है ऋतुओं में परिवर्तन। तो उसकी दोनों ही गति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, अब हम इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये है एक दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार क्या होता है, जो कि पूरा सर्कल नहीं होता बल्कि एक दीर्घ कक्षा होती है, मतलब राउंड शेप नहीं होती बल्कि इस तरीके से वृत्ताकार होता है, मतलब लंबा सा गोला, पूरी तरह से गोलाकार न होके लंबा गोला, उसे हम दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं 21 जून की स्थिति। 21 जून को क्या है, जो उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध, ये सूरज के बिल्कुल, इस पर सूरज की सीधी किरणें आ रही हैं, एकदम सीधी किरणें, तो यहाँ पे होगी ग्रीष्म ऋतु, और ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पे होगी शीत ऋतु। सेम यही स्थिति 22 दिसंबर को दूसरे गोलार्ध में होती है, जबकि इसका दक्षिणी गोलार्ध सूरज के सामने आ जाता है और जो उत्तरी गोलार्ध है वो पीछे चला जाता है, तो वहाँ पे हो जाती है शीत ऋतु और इधर हो जाती है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। तो ये हो गया हमारा ऋतुओं में परिवर्तन। इसके अलावा एक स्थिति ऐसी होती है जैसे कि 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दिनों में क्या होता है, इन दो दिनों में पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूरज के सामने नहीं पड़ता, सूरज के सामने कोई भी पृथ्वी का ध्रुव झुका हुआ नहीं है, तो इस समय दिन और रात बराबर होते हैं। इस समय क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, और इस घटना को विषुव कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, विषुव। अब आपने देखा ना चित्र में कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की, उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूरज की तरफ झुका है, तो किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त हो रही है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो इसी वजह से जो उत्तरी ध्रुव है ना, वहाँ पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, और उत्तरी गोलार्ध में इस समय होता है गर्मी का मौसम। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और इस अवस्था को कहते हैं उत्तर अयनांत। ठीक है, सूरज का उत्तरायन होना भी इसको हम कहते हैं। 22 दिसंबर को स्थिति ठीक विपरीत होती है, मीन्स कि वहाँ पर उस समय पर मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश प्राप्त होता है, तो वहाँ पे लंबे दिन और छोटी रात होती हैं, इस अवस्था को कहते हैं हम दक्षिण
अयनांत। आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है? गर्मियों में। जबकि अगर आप इंडिया में बात करोगे तो वो कब आता है क्रिसमस? 25 दिसंबर को। और दिसंबर में यहाँ पर क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरणें विषुववृत्त व्रत पर सीधी पड़ती हैं। विषुववृत्त व्रत क्या है? भूमध्य रेखा। तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, तो यहाँ पर दिन और रात, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण के कारण ही, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं दिन और रात, और परिक्रमण गति के कारण होता है ऋतुओं में परिवर्तन। तो ये मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, सिर्फ इसमें पृथ्वी की दोनों गतियों के बारे में ही बताया गया है। अब पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण आप बता दोगे, ठीक है? घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित करना है, लीप वर्ष क्या है ये बताना है, उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर बताना है, विषुव क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है क्यों, और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक आप अपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व कीजिए।